Good morning students. Today we will do पेज नंबर 47. ओके, इसमें क्या है बेटा? 47 में फन टाइम. ज्वाइन द नंबर्स टू कंप्लीट द पिक्चर्स ऑफ क्लोन एंड कलर इट ऑफ योर चॉइस. आप अपनी चॉइस से इसमें कलर करना है. किसमें करना है? क्लोन में. ठीक है, अब देखिए बेटा ये क्या है? वन काउंटिंग है. आपको इससे मिलाना है. जैसे वन के बाद क्या आएगा बेटा? टू. टू के बाद क्या आएगा? थ्री. थ्री आफ्टर फोर. फोर आफ्टर फाइव. फाइव आफ्टर सिक्स. सिक्स आफ्टर सेवन. मतलब डॉट टू डॉट इसे मिलाना है आपको. ठीक है बेटा, सेवन के बाद क्या आएगा? एट. अब एट डॉट टू नाइन डॉट से मैच मिलाना है. ठीक है ना. एक के बाद क्या आएगा बेटा? नाइन. नाइन आफ्टर टेन. टेन आफ्टर इलेवन एंड ट्वेल्व. थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन. ठीक है, इस तरह से आपको मैच करना है. एटीन के बाद नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू. ट्वेंटी टू के बाद क्या आएगा बेटा? ट्वेंटी थ्री. ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सिक्स. ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी. थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर फाइव और 36. इस तरह से बेटा आपको ये बनाना है. ठीक है, डॉट टू डॉट आपको मिलाना है और फिर इसमें आप अपनी चॉइस से कलर फिल करना है. ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा आपको जैसे देखो 36, 37, 38 डॉट टू डॉट आपको मिलाते हुए इसको कहाँ ले जाना है? आपको 100 तक ले जाना है. ठीक है बेटा, फिर ये क्या बन जाएगा? क्लोन. ठीक है ना, ये क्लोन बन जाएगा और फिर इसको आपको अपनी चॉइस से कलर भरना, बहुत सुंदर सा बनाना है बेटा. ठीक है, ये आपको सिर्फ बुक में करना है. ओके, चलिए आज हम बेटा आपको न्यू चैप्टर कराएंगे. चैप्टर नंबर 5. क्या है बेटा चैप्टर का नेम? कंसेप्ट ऑफ जीरो. आज हम क्या बेटा, क्या है हमारा चैप्टर का नाम? कंसेप्ट ऑफ जीरो. आज हम जीरो के बारे में समझेंगे. ठीक है ना, जीरो का मीन क्या होता है बेटा? जीरो मीन नथिंग, कुछ भी नहीं. ठीक है, जीरो का मीन क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं. अब देखिए एग्जांपल देखिए बेटा. यश हैव थ्री काइट्स. यश के पास कितने काइट्स है? थ्री काइट्स है, वन टू थ्री. ओके, ही गेव टू काइट्स टू प्रिंस. और उसने टू काइट्स किसको दे दी बेटा? प्रिंस को दे दी. ठीक है, अब उसके पास कितनी बची? वन बची. ठीक है, अब थ्री में से टू इसको दे दी तो इसके थ्री माइनस टू इक्वल वन. अब इसके पास वन बची है ना. वन काइट फ्लू अवे, और वन काइट उसने उड़ा दी. जब उसके पास दो तो इसे दे दी, टू काइट्स बेटा इसने प्रिंस को दे दी यश ने. फिर इसके पास कितनी बची? वन काइट बची, और वन काइट को उसने उड़ा दी. वन काइट फ्लू अवे, अब वन थी और वन उड़ा दी, तो क्या रह गया उसके पास में? जीरो, कुछ भी नहीं रहा उसके पास में. हाउ मैनी काइट्स आर लेफ्ट विद यश नाउ? अब यश के पास कितनी काइट बची? इट मीन्स जीरो. अब उसके पास जीरो बची, कुछ नहीं बचा उसके पास में. इट इज क्लियर बेटा, समझ में आ गया बाबा आपको? ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल टू देखिए बेटा. सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइव एप्पल्स ऑन द ट्री. एक ट्री पर बेटा कितनी एप्पल्स हैं? फाइव एप्पल्स, वन टू थ्री फोर फाइव. ओके, वन मंकी कम्स. एक मंकी आया और उसने क्या कर लिया? थ्री एप्पल्स उसने खा ली. ठीक है ना, मंकी ने क्या करी बेटा? थ्री एप्पल्स खा ली, वन टू थ्री. अब ये थ्री एप्पल्स उसने खा ली. अब पेड़ पर कितनी एप्पल्स बची बेटा? टू. ओके, टू एप्पल्स बची. अब एक मंकी और आया, अनदर मंकी कम्स एंड एट टू एप्पल्स. और एक दूसरा मंकी आया और वो टू एप्पल्स को वो खा गया. अब पेड़ पर कितनी एप्पल्स बची बेटा?
हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। अब ट्री के ऊपर कितने एप्पल्स बचे बेटा? जीरो। अब कुछ भी नहीं है ना, नथिंग, जीरो एप्पल इज लेफ्ट ऑन द ट्री। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा। देखिए, एट गर्ल्स आर डांसिंग ऑन अ डीजे फ्लोर। एट गर्ल्स क्या कर रही है बेटा? डीजे फ्लोर पर डांस कर रही है। ऑल गर्ल्स गेट्स टायर्ड, सभी थक गई डांस करते करते, ठीक है। ऑल गर्ल्स गेट्स टायर्ड, अब ये सभी गर्ल्स डांस करते हुए थक गई। नो गर्ल्स इज डांसिंग ऑन द डीजे फ्लावर। अब डीजे फ्लावर से बेटा कितने रहे है कोई? हाँ, फ्लोर पर, डीजे फ्लोर पर कोई भी नहीं है ना, क्योंकि सभी गर्ल्स थक गई, सभी बैठ गए। अब डीजे फ्लोर पर कोई भी गर्ल्स फ्लोर डीजे फ्लोर पर अब कोई भी डांस नहीं करे। नो गर्ल्स इज द डांसिंग ऑन द डीजे फ्लोर। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? जीरो। इलेवन में से इलेवन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, आप मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। देखिए, इलेवन लाइन खींचिए बेटा, आप ड्रॉ द इलेवन लाइन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है। अब इलेवन में से हमें इलेवन माइनस करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। इलेवन बचे, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, नथिंग, जीरो, इधर जीरो आएगा। अब नेक्स्ट सम देखिए बेटा, 25 में से हम 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? जीरो। 36 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? जीरो। अब देखिए, 40 में क्या माइनस करें जो जीरो आएगा, बताइए आप। 40 में से हम 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। अब 6 में क्या माइनस करें जो जीरो आए, तो 6 में से क्या करेंगे माइनस? 6 ही करेंगे तभी हम जीरो आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये बेटा यहाँ ये ब्लैंक दिया हुआ है, माइनस 56 इक्वल जीरो। अब इसका आंसर जीरो आया, 56 में से यहाँ क्या, कौन सा नंबर है जो 56 में से 56 माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? 56 माइनस 56 इक्वल टू जीरो। ओके, 16 माइनस 16 क्या आएगा? जीरो। अब 72 में से क्या माइनस करें जो बेटा आंसर जीरो आएगा, तो क्या आएगा? 72। अब देखिए, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है माइनस 80। अब यहाँ क्या कौन सा नंबर आएगा जो 80 माइनस करने से जीरो आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 80। 99 में से माइनस 99 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। 100 में से क्या माइनस करें जो जीरो आएगा? 100। ओके, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो देखिए। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, देयर आर नो गर्ल्स ऑन द डीजे फ्लावर। अब यहां पर कोई भी गर्ल्स डीजे फ्लावर पर, देयर आर नो गर्ल्स ऑन द डीजे फ्लोर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कोई भी गर्ल्स डीजे फ्लोर पर नहीं है। फोर गर्ल्स कम टू डांस ऑन द डीजे फ्लोर, ठीक है। फोर गर्ल्स आई और डांस, उन्होंने डीजे फ्लोर पर डांस किया, ठीक है। पहले बेटा डीजे फ्लोर पर कोई भी नहीं था, सो जीरो, ठीक है। फिर फोर गर्ल्स कम टू डांस ऑन द डीजे फ्लोर, फिर फोर गर्ल्स आई और डीजे फ्लोर पर डांस करने लगी, ठीक है। ये फोर आ गए, तो अब ये कह रहा है कि नाउ फोर गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द डीजे फ्लोर। डीजे फ्लोर पर अब कितनी गर्ल्स है टोटल, ठीक है। पहले सो, पहले क्या था? जीरो, कोई भी नहीं था। फिर फोर गर्ल्स आ गई, अब टोटल गर्ल्स, अब यहाँ पर हाउ मैनी टोटल गर्ल्स बेटा, तो जीरो में से फोर प्लस करा तो क्या आ गया? फोर। व्हेन वी एड जीरो टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। बेटा जब जीरो नंबर किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वी गेट द सेम नंबर, हमें सेम नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे जीरो में हमने फोर प्लस किया तो हमें नंबर ही प्राप्त हुआ है ना, सेम नंबर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बेटा एग्जाम्पल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, रजत हैज फाइव चॉकलेट। रजत के पास बेटा कितनी चॉकलेट्स है? फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव।
हिज फ्रेंड गेव हिम नो चॉकलेट, और उसने अपने फ्रेंड्स को कोई भी चॉकलेट नहीं दी। अब रजत के पास कितनी चॉकलेट्स बची बेटा? 5 ही बची ना उसके पास में। चॉकलेट्स लेफ्ट विद रजत, अब चॉकलेट्स लेफ्ट विद रजत के पास में कितनी चॉकलेट्स बची? अब देखिए, सो 5 में हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 5 ही आएगा। व्हेन वी एड एनी नंबर, जब हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो हमें सेम नंबर ही प्राप्त होता है, वी गेट द सेम नंबर। ओके, क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, आपको चैप्टर 5th करना है। क्या है चैप्टर का नाम? कंसेप्ट ऑफ द जीरो। ठीक है बेटा, ये आपको समझना है, वीडियो देखनी है, और ये आपको नोटबुक में करना है, बुक और नोटबुक दोनों में करना है। ठीक है बेटा, ये आपका क्लास वर्क भी है और होमवर्क भी है। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। ओके बेटा, थैंक यू।